भी प्रज्ञा ने बयान दिया है कि कांग्रेस ने आतंकवादियों को सम्मानित और उनका साथ दिया है, जबकि देशभक्तों को कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का काम किया है। आगर जिले में चुनावी रोड शो के दौरान साध्वी ने यह बात कही। साध्वी ने कहा कि कांग्रेस के नेता आतंकवादियों के उपनाम के आगे भी जी कहते हैं, कभी साहब ये उनका चरित्र है, लेकिन इस बार जनता जवाब देगी क्योंकि ये देशभक्ति का चुनाव है। उन्होंने कहा कि बंगाल की चुनावी हिंसा बहुत ही निंदनीय है। ममता के शासनकाल में जिस तरह से अराजकता फैली है, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जिससे अराजकता पर लगाम कसी जा सकेगी। कांग्रेसियों ने आतंकियों का साथ दिया है, उनको सम्मानित किया है और देश भक्तों को प्रताड़ित किया है और उनको गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला है, इसका जवाब जनता देगी। तो क्या जाकिर नाइक के कांग्रेसी नेताओं से कनेक्शन है, क्या कहेंगे? जाकिर नाइक जग जाहिर है कि वो आतंकी है और जितने भी आतंकवादी हैं सबको कांग्रेसी सम्मानित शब्दों से उपयोग करती है, उनको सम्मान देती है, कभी जी कभी साहेब, तो ये उनका चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र है और ये इस बार जनता जवाब देगी क्योंकि ये जो चुनाव है ये देशभक्ति के लिए चुनाव है, ये देश के जो पूज्य हमारा भगवा रंग है उसका उसके सम्मान के लिए है, नारी के सम्मान के लिए है, योग्यता के लिए है, सैनिकों की के सम्मान के लिए है, देश की सीमाओं के सुरक्षा के लिए है, इसलिए इस बार उनको जवाब मिल जाएगा। बंगाल में जो हिंसा हुई चुनावी हिंसा उसका आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है और ये ममता के शासनकाल में जिस तरह से अराजकता फैली है, चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और ऐसे इनको कंट्रोल किया जाएगा। ये तो वो कहेंगी और ये जो आतंक फैला रही है इसका जवाब कौन? दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भारत से शनि के रूप में प्रधानमंत्री, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शनि के रूप भारत माता की जय। दिग्विजय सिंह को पता चल जाएगा हिंदू आतंकवाद शब्द आया था।